कि अभी आप देखिए थोड़ा सा ग्लोबल संकेत कमजोर पड़ते हुए, यूएस में अगर आप देखें कुछ महत्वपूर्ण बैठक, डॉलर का मजबूत होना, साथ ही साथ चाइना का अपनी करेंसी से एक बार फिर से छेड़छाड़ करना, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना, एफआईएस का अपनी पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशंस को ट्रिम करना, अभी बाजार का माहौल लग कैसा रहा आपको? क्या थोड़ा सा बिगड़ता हुआ माहौल नजर आ रहा है या फिर बाजार ये 77 के आसपास स्टेबल हो जाएगा? जी वीरेंद्र, अगर आप हमारा लास्ट आउटलुक देखते हो तो हमने कहा था 22 अप्रैल से 13 मई विल बी द ट्रिगर फॉर मार्केट फॉर नेगेटिव बायसनेस, और हमने उसमें केवल तीन पॉइंटर्स डाले थे कि युआन विल गेट डी वैल्यू टू 6.55 एंड दैट इज द बेंचमार्क, 6.543 अगर ट्रिगर कर जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा युआन पे वो होगा 7 पर यूएसडी। इसका तात्पर्य यह है कि दे विल बी ह्यूज सेल ऑफ इन मेटल पैक, दे विल बी ह्यूज सेल ऑफ इन एक्स जापान एशियन बास्केट करेंसीज, और वहां पे जापान एक डबल वैमी के तौर पे नजर आ रहा है क्योंकि जापान अपनी करेंसी को मजबूत करते हुए देख रहा है। तो अगर आप इस पूरे ग्लोबल बैकड्रॉप पे देखें तो अब इंडिया के लिए अगर आप माइक्रो सिचुएशन देखेंगे तो द बिगेस्ट ट्रिगर विल बी ओनली मानसून। अगर मानसून अच्छा आता है तो दे विल बी ह्यूज री रेटिंग फॉर अस। अदरवाइज अगर मैं ग्लोबल बैकड्रॉप और जिसपे मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ वो होता है कि किस तरह से बाहर की सिचुएशन है, बिकॉज वी हैव टू, अगर उनको फीवर होता है तो हमें छींक तो आनी ही आनी है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं 7550 7540 का वो जो बेंचमार्क है वो जाके स्टेबलाइज होगा एंड देन वी विल डिसाइड वेयर टू गो अप और डाउन। और एक और चीज कहना चाहूंगा, अभी तक बड़े बैंक है जैसे SBI, PNB, BOB, I was trying to search कि उनके रिजल्ट्स कब है, मेरे को वो अभी तक नहीं दिख रहे हैं। तो जब तक ये सब के नंबर्स नहीं आते हैं तब तक आई थिंक बायसनेस नेगेटिव रहेगी क्योंकि दिस विल क्रिएट पेन ऑन द एंटायर इंडेक्स एज वेल एज बैंकिंग निफ्टी। तो ये रुझान के साथ आप लेके चले, पोजीशंस हल्की रखें।